हेलो फ्रेंड्स, आज हम फालूदा बनाएंगे। फालूदा के लिए सब्जा के बीज, सेवियाँ, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, गुलकंद, रोज शरबत 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हमने गुलकंद डाला है और अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम आइसक्रीम डालेंगे, रोज़ आइसक्रीम डालेंगे। गुलकंद वाली है ये हमारी आइसक्रीम, ये भी हमने घर में ही बनाई है आइसक्रीम, ये गुलकंद की है। और ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आप इसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, चेरी है वो भी डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, पॉमग्रेनेट डाल सकते हैं, वो पिंक होते हैं, पिंक कलर के जो भी आप फ्रूट्स चाहें इसमें डाल सकते हैं, और चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। और ये हमने रबड़ी में बनाया है, मैंगो फालूदा और गुलकंद फालूदा, ये दोनों रबड़ी में बनाए हैं। अब रबड़ी कैसे बनाएंगे? 250 ml हमने दूध लिया है और इसमें हम 100 ग्राम तक मिल्क पाउडर डालेंगे और शुगर डालेंगे 5 टेबलस्पून। और अगर आप चाहें तो मिल्क पाउडर को ठंडे दूध में मिक्स करके बाद में डालें। मैंने मिल्क पाउडर को एक एक चम्मच करके डाला है गरम दूध में। पहले दूध को उबाल लिया है, उसके बाद एक एक चम्मच करके टेबल स्पून करके उसमें डालते जाना है। इससे भी आपकी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, क्योंकि मिल्क पाउडर गरम दूध में ही जल्दी पिघल जाता है। और मीडियम फ्लेम पे रखना है, थोड़ा गाढ़ा हो जाए उसके बाद इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे 2-3 घंटे के लिए, और फुल ठंडा होने के बाद फालूदे में यूज़ करेंगे। सेवियाँ बनाने से पहले हम 2 टीस्पून सब्जा के बीज को भिगो के रखेंगे पानी में। 100 ml तक पानी हम लेंगे और 10-15 मिनट के लिए इसे भिगो के रखेंगे। जब तक सेवियाँ बनाएंगे तब तक ये रेडी हो जाएंगे। 4 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, अगर आप चाहें तो तपकीर भी ले सकते हैं अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है तो। मगर कॉर्नफ्लोर का जो सेवियाँ बनाते हैं वो ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। कॉर्नफ्लोर में 4 टेबलस्पून हम पानी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। इससे क्या है, गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। सीधा नहीं डालना है कॉर्नफ्लोर, कभी भी डालें आप, पहले लिक्विड बना के बाद में ही डालें। नॉन स्टिक पैन रखेंगे, उसमें हम 5 टेबलस्पून पानी डाल देंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, और 2 टेबलस्पून शुगर डाल देंगे। जितना आप कॉर्नफ्लोर लेते हैं उससे दुगना पानी डालना है, दुगने से थोड़ा ज़्यादा डालना है, और शुगर हमें आधा लेना है। हमने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है तो 2 टेबलस्पून शुगर लिया है, और पानी हमने 9 टेबलस्पून लिया है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे तो ये बिगड़ जाएगा। शुगर पानी में मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें हम जो हमने लिक्विड बनाया है वो डाल देंगे और घुमाते जाएंगे। स्पेस चूल्हा से घुमाएंगे, पहले चम्मच से घुमाएंगे, उसके बाद स्पेस चूल्हा से घुमाएंगे, और नॉन स्टिक ही पैन लेना है, नहीं तो ज़्यादा चिपक जाएगा। और घुमाते ही रहना है, रुकना नहीं है इसमें, और लो से मीडियम फ्लेम ही रखना है, फुल आंच नहीं रखना है। ये लिक्विड बन जाएगा, ज़्यादा आप पानी डालेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, तो ये आपकी सेवियाँ नहीं बनेंगी। और अगर आप कम पानी डालते हैं तो ये कच्चा रह जाएगा, इससे भी सेवियाँ आपकी अच्छी नहीं बनेंगी। और ये हमने जो शुगर डाला है उससे ये सेवियाँ आपकी मीठी बनेंगी। ये अब हमारा बन चुका है, ये 1 मिनट में बन जाता है बेटर हमारा जो है ये सेवियाँ बनाने का, वो 1 मिनट में बन जाता है, इससे ज़्यादा देर नहीं लगती। जब भी आप चाहें तब ये बना सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी बनती हैं। ये हमारी बन चुकी है, अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। गैस फ्लेम ऑफ करने के बाद इसे सीधा संचे में ही डालना है, गरम गरम ही डालना है, ठंडा करके बाद में नहीं डालना है। ये हमने संचा ले लिया है जिसमें हम सेवियाँ बनाएंगे, जिससे हम ये हमने डाल दिया है, और पानी फुल ठंडा लेना है,
बाउल में हम जो पानी लिया है वो फुल ठंडा लेना है और उसमें बर्फ़ के पीसेस भी डाल देने हैं। ये हमने बेटर इसमें डाल दिया है, अब सेवियाँ बना लेंगे। ये पानी भी हमने ठंडा ले लिया है, ये फुल ठंडा लेना है और इसमें हमने बर्फ़ का मोटा पीस डाल दिया है, बड़ा सा पीस डाला है। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस डाल सकते हैं। और देखिए ये सेवियाँ इतनी बढ़िया बनी है आपकी और खाने में भी इतनी टेस्टी बनती हैं। और ये जो हमने बेटर बनाया है वो 2 फालूदा ग्लासेस बनाने के लिए हैं। और ये अब फ्रिज में रख सकते हैं आप, जब तक आप फालूदा बनाएं तब तक इसे फ्रिज में रख दें। हम 2 फ्लेवर के फालूदा बनाएंगे, एक गुलकंद फालूदा बनाएंगे और दूसरा मैंगो फालूदा बनाएंगे। सब्जा के बीज जो हमने भिगो के रखे थे वो हो गए हैं रेडी, 2-2 टेबलस्पून दोनों में डाल देने हैं। जितने हमने भिगोए थे उससे 2 गिलास ही बनेंगे। और रबड़ी जो हमने बनाई है वो ठंडी हो चुकी है अब हमारी, वो हम इसमें 100-100 ml तक डाल देंगे। अब अगर आप ज़्यादा चाहें तो डाल सकते हैं या फिर दूध भी डाल सकते हैं। और ये जो हमने सेवियाँ बनाई हैं वो भी डाल देनी है। जितनी हमने सेवियाँ बनाई हैं उससे 2-3 गिलास ही बनेंगे, जितनी आपको चाहिए उतनी ही बनाएं, क्योंकि ये एक दिन के लिए ही रख सकते हैं फ्रिज में, उसके बाद इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ये गुलकंद है, ये हमने घर में बनाया है, 1 टेबलस्पून हमने गुलकंद डाला है और इसकी रेसिपी हमने गुलकंद की पहले अपलोड कर दी है। और ये मैंगो के पीसेस डाल दिए हैं दूसरे फ्लेवर में, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे चॉप किए हुए, आपको जो भी पसंद हो आप वो इतने डाल सकते हैं। अब शरबत डाल देंगे, ऊपर से हम थोड़ी रबड़ी डाल देंगे, अब शरबत डाल देंगे दोनों में। सब्जा के जो सीड्स हैं उससे आपका वेट लॉस होता है, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। रोज़ फ्लेवर वाला शरबत डालेंगे और इसमें मैंगो शरबत डालेंगे। अगर आपके पास शरबत नहीं हो तो आप सिरप डालें, शुगर सिरप डाल सकते हैं। हमने 1 टेबलस्पून रोज़ शरबत डाला है और इसमें मैंगो शरबत डाला है 1 टेबलस्पून, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद उसमें आइसक्रीम डालेंगे, अगर आप चाहें तो फ्रेश फ्रूट चॉप्ड करके डाल सकते हैं। ये दोनों हमारे बन चुके हैं। ये हमारी मैंगो आइसक्रीम है, ये भी हमने घर में बनाई है मगर इसकी रेसिपी हमने अपलोड नहीं की है, बाद में कर देंगे। ये गुलकंद वाली आइसक्रीम है, ये भी हमने घर में बनाई है और इसकी भी रेसिपी हम बाद में अपलोड कर देंगे। ऊपर से ड्राई नट्स से गार्निश कर लीजिए। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं 2 फ्लेवर के फालूदे, गुलकंद फालूदा और मैंगो फालूदा। यम्मी एंड डिलीशियस।